एक भिखारी गया किसी के पास मांगने, उसने देखा आंचल बाबू मिले कुछ बाबू, बाबू ने देखा 2000 रुपए ले बड़े गर्व ले जाओ। भिखारी ने 2000 ले तो लिए, हंसने लगा। ये हंस क्यों रहे हो, खुश होते तो बात, हंस क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं हंस क्यों रहे हो? तो बोला ऐसे हम भी देते थे पहले, ऐसे ही हम देते थे। एक आदमी ने गुप्त दान दिया, सो बोले हमारी ओर से गुप्त दान, नाम नहीं लिया जाता। बोले ना लो। थोड़ी देर में बोले कि घोषणा तो कर दो कि गुप्त दान दिया है किसी। तो बोले उसमें नाम नहीं लेना है। बोले नाम मत लो, ये कहो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो इसी मंच पे बैठे हैं। तो उसने कह दिया कि इसी मंच पे बैठे हैं, तो भी भरोसा नहीं हुआ। आए बोले ये कहो कि इसी मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं। लोगों ने कह दिया कि भैया इनका मान रहे। बोले दूसरे दिन चेक ले जाना। चेक लेने गए, दे दिया चेक भर के, गए बैंक में, बैंक वाले ने मना कर दिया नहीं मिलेगा। कहा क्यों? बोले इस पे हस्ताक्षर तो कराओ, दस्तखत ही नहीं है। चेक दे दिया, हस्ताक्षर करने दे। लौट के गए कि साहब आपने हस्ताक्षर नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखा। बोले ये सुना नहीं गुप्त दान में नाम लिखा ही नहीं जाता, नाम लिए ही नहीं जाता। आप बोलो अच्छा गुप्त दान है, नाम ही नहीं। इसीलिए एक महात्मा कह रहे थे जो दे दान उसको इंसान जान, जो दे दान उसको इंसान जान, और जो न दे दान उसे समझ नादान। एक काशी में थे नंदन जी, उनके पास एक कवि गए। उन्होंने कवि को कुछ नहीं दिया तो किसी ने कहा कुछ नहीं मिला, बोले नाम ही ऐसा है। उसने श्लोक ही बना दिया नंदन, आदव नकारा शुरू में नकार, अंतव नकारा अंत में भी नकार, मध्य दकारा मध्य में दकार उसमें भी आधा नकार लगा है।